टीन टाइटन सीरीज वन ऑफ दी ऑसम सीरीज रही है डीसी में, जिसमें बहुत कमाल के स्टोरी लाइन है, एपिक एनिमेशन है और ट्विस्ट है। लेकिन इसके साथ टीन टाइटन्स में बहुत से बेस्ट मोमेंट्स भी हैं जिन्होंने हम फैंस का दिल जीत लिया, और शायद उन मोमेंट्स की वजह से हम टीन टाइटन्स के बड़े फैन बन गए। तुम्हारा नहीं पता लेकिन मैं तो बन गया। अबे साले, इसीलिए मैं उन बेस्ट मोमेंट्स को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब सारे मोमेंट्स को लेना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने मेन बेस्ट मोमेंट्स को पिक किया और उनको रैंक किया। लेकिन चिंता मत कीजिए, इन पांच मोमेंट में से तीन मोमेंट्स आपके बेस्ट रहे होंगे। तो शुरू करते हैं पांचवे मोमेंट से। बेस्ट मोमेंट नंबर 5, साइबॉर्ग कम्स बैक। अब टीन टाइटन्स का थर्ड एपिसोड डिवाइड एंड कॉन्क्योर, इस एपिसोड में साइबॉर्ग एंड रॉबिन की लड़ाई होती है और साइबॉर्ग टाइटन टीम को छोड़ के चला जाता है और रॉबिन को अपनी गलती का एहसास होता है। और जब वो इस कीचड़ वाले मॉन्स्टर से लड़ते हैं तो जब रॉबिन मारने वाला होता है तभी साइबॉर्ग आकर उसे बचा लेता है और ये मोमेंट एक बेस्ट मोमेंट बनकर रह जाता है। जी हाँ, क्योंकि इस एपिसोड में हमको एक असली फ्रेंडशिप के बारे में जानने को मिला। साइबॉर्ग और रॉबिन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और वो दोबारा एक हो गए। बेस्ट मोमेंट नंबर 4, रेवन ऑल मूड्स। अब इस एपिसोड का नाम होता है नेवर मोर, एंड इस एपिसोड में रेवन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो मेडिटेट करती है, एंड साइबॉर्ग एंड बीस्ट बॉय छुप छुपा के उस रूम में घुस जाते हैं और वो एक मिरर की हेल्प से गलती से रेवन के ब्रेन के अंदर चले जाते हैं एंड इनको रेवन के चार रूप देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इनको रेवन खुश, उदास, कॉन्फिडेंट, गुस्सैल रूप में देखने को मिलती है। एंड रेवन अपने गुस्सैल रूप से जब छूटती है तब ये सीन एक बेस्ट मोमेंट बन जाता है, क्योंकि रेवन ने अपने सहनशीलता से और बीस्ट बॉय और साइबॉर्ग की हेल्प से अपने गुस्से को काबू किया। बेस्ट मोमेंट नंबर 3, स्टार पायर वर्सेस ब्लैक फायर। अब इसे बेस्ट मोमेंट तो नहीं कह सकते बल्कि बेस्ट फाइट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको ब्लैक फायर एंड स्टार फायर की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन मैं इसे बेस्ट मोमेंट और बेस्ट फाइट कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हमको ये दिखाया जाता है कि कैसे ब्लैक फायर ने स्टार फायर को फंसाने के लिए प्लान बनाया। लेकिन स्टार फायर के पास अपने दोस्तों का साथ था और उसके दोस्तों की मदद से स्टार फायर ने ब्लैक फायर को धूल चुका दी और जब ब्लैक फायर हारी तो ये हम सब के लिए बेस्ट मोमेंट बन गया। लेकिन स्टार फायर के लिए सैड, क्योंकि अब अपनी बहन को कौन दुखी देखना चाहता है। बड़े ये बेस्ट मोमेंट था। बेस्ट मोमेंट नंबर 2, रॉबिन एंड स्लेड। अब रॉबिन एंड स्लेड के बहुत मोमेंट्स तो आते हैं, लेकिन मेरे लिए जो एक बेस्ट मोमेंट आता है वो इस एप्रेंटिस वाले एपिसोड में आता है, जहां पे स्लेड रॉबिन को मैनिपुलेट करता है। क्यों? क्योंकि स्लेड ने टाइटन्स के ऊपर एक चिम्प इंसर्ट की होती है जिससे स्लेड जब चाहे टाइटन्स को मार सकता है और रॉबिन ऐसा नहीं होने दे सकता, तो स्लेड जो कहता है रॉबिन वही करता है और रॉबिन एक विलन बन जाता है। लेकिन जब रॉबिन ने अपने दोस्तों को हर्ट किया स्लेड के कहने पर तो रॉबिन बहुत गुस्सा हो जाता है और स्लेड को पंच मारता है और तभी टाइटन्स भी लड़ते हैं, बट स्लेड एक्टिवेट दिस चिप, बट रॉबिन हमारा शाना रहता है और वो अपने आप को ही फंसा लेता है। अब स्लेड को रॉबिन की जरूरत चाहिए रहती थी तो स्लेड उस बटन को रोकता है और जब स्लेड रॉबिन को किक मारने की कोशिश करता है तो रॉबिन उसे डॉच करता है और उसे किक या फिर पंच जो तुम कह सकते हो वो मारता है। और ये सीन भाई सबसे सेटिस्फाई पंच या फिर किक होती है और ये मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट बन जाता है टीन टाइटन्स में। बेस्ट मोमेंट नंबर 1, ट्राइगन समून। वेल, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मोमेंट को बताने की जरूरत है, क्योंकि यही वो मोमेंट था जिससे टीन टाइटन छा गया। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेल, इस सीन में रेवन ट्राइगन को सुमन करती है क्योंकि ट्राइगन ने उसके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस डाला होता है और जब ट्राइगन सुमन होता है तो देखो यार एनिमेशन, ट्राइगन की आवाज, आय हाय यार मजा आ गया। और ये मोमेंट पूरी टीन टाइटन्स की हिस्ट्री का बेस्ट मोमेंट बन जाता है। और अगर तुम लोगों को ये जानना है कि रेवन ने ट्राइगन को सुमन क्यों किया तो जाके मेरी ये वाली वीडियो देख लो। और बाकी यही थी आज की ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो भाई तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करने के बाद शेयर कर देना है, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना है, बेल आइकन दबाने के बाद कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और तुम लोग अगर वीडियो देखते रह जाते हो। और मैं मिलता हूँ तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।